दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। आज मैं हूँ घर में। घर में तो मैं रोज ही रहती हूँ, लेकिन हाँ आज मैं उठी हूँ लेट से, क्योंकि यार मेरे दोनों बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, बेटे को कोचिंग नहीं जाना था, तो मैं लेट से ही उठी हूँ। 8:30 बज गए और मैं जा रही हूँ ब्रश करने। देखा कितनी अच्छी मॉर्निंग है, कितने मतलब बरसात में पौधों में जान आ जाती है। देखो मेरे पौधे सारे खिल गए हैं, सारे खिल गए हैं पौधे, देखो हरे हरे से हो गए। देखो देखो हमारे यहाँ नींब है ना, नींब से पूरा गिरता है नीम कॉल। और मैंने ना टंकी चालू किया था, पानी बिल्कुल नहीं था, फिर मैंने टंकी पानी भर रही हूँ। फिर सोची चलो आप लोगों से बात कर लूँ, है ना। दोस्तों मैं इतनी बिजी हो गई हूँ ना, आप लोग तो जानते हो बिजी कितनी ज़्यादा हो गई हूँ। हमने अपने जब नया काम शुरू किया, फिलहाल तो अभी स्कूल नहीं कर रहे हैं जॉब, और अभी नया काम शुरू किया है, तो आप लोग देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब हमारा टाइम स्पेंड उधर होता है और टेंशन अलग होता है, क्योंकि सारी जवाबदारी मेरी है उस दुकान की, सारी जवाबदारी उसका मतलब किराया, उसका सिलेंडर, मतलब जितने भी और A to Z जो खर्चे होते हैं ना, वो सारा ही मेरे ऊपर है। कोई दूसरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, सबकी जवाबदारी मेरी है, है ना। बस मैं तो ये चाह रही हूँ जो काम शुरू किया है वो काम बिल्कुल सक्सेस हो जाऊँ। और आप लोगों के प्यारे प्यारे जब कमेंट आते हैं, प्यारा प्यारा सब आता है ना, बहुत ही मन खुश होता है कि यार आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे, इतना दिल चाहते हो, और आप लोग बोलते हो नहीं कदम आप पीछे मत हटाइएगा, आप कदम बढ़ाइए तो कदम आगे ही बढ़ाइएगा। तो ये सोचकर कभी कभी मतलब निराश हो जाती हूँ कि नहीं यार मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये पता है आपको एक घटना बताती हूँ। मैं ना अपने दुकान पर काम कर रही थी और 10 बज गया था, हाँ करीब 9:30 बज गया था। 9:30 बजे एक आदमी आया, शराब पी कर आया था, पता शराब पी कर आया और सामने खड़ा हो गया और बोलता है मैडम आप तो कोचिंग पढ़ाते थे ना यहाँ पर, और आप टीचर थे ना, आप ये काम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। इधर शराब में झूम रहा था, बोलते आप ये सब काम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ये काम करते हुए। तो मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा उसको माथा ठनका, मैंने कहा सुनो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हाँ मैं टीचर थी, टीचर तो मैं अभी भी हूँ यार, मैं जॉब अभी मुझे जॉब मिलेगी, लेकिन हाँ मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती हूँ। हाँ मुझे KV मिल जाएगा, KV स्कूल मिल जाएगा, या फिर मुझे मान लीजिए उसमें मिल जाता है, मैं गेस्ट में डाली हूँ उसमें अगर मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी अगर, हाँ या तो भी कर लूँगी टीचर। तो भाई अभी भी मेरे पास BEd की डिग्री है, MA BEd हूँ मैं, वेल क्वालिफाइड हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं जॉब ढूंढना चाहूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी, बट मैंने जब ये अपना बिजनेस में अपना मतलब पैर आगे बढ़ाया, हाथ डाला है, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि इस पर करीब 80,000 तक का खर्चा हो गया और अभी खर्चा हो ही रहा है। आप जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उसमें, किचन का ही सामान कितना महंगा होता है आप जान रहे हो, हर महीने बस ख़त्म ही हर महीने ख़त्म नहीं होता तो तब तक ख़त्म हो जाता है। तो मेरे 70-80 हज़ार करीब ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है देखकर, है ना। और तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग, ऊपर से क्या हुआ, उसने इडली खाया, इडली खाने के बाद इडली उसका एटीट्यूड बड़ा भयंकर था यार, क्या बताऊँ। मैंने जब उसे बोला कि कोई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो उसके बाद उसने कहा क्या क्या मिलता है, हमने कहा इडली है चाइनीज़ है, तो फिर उसने बोला इडली खाना है। इडली मैंने दिया उसको और खा लिया और बढ़िया उठ गया, और मेरी सिस्टर ने बोला पैसे दो, तो बोलता है नहीं पैसे नहीं है, पैसे कहाँ है मेरे पास। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग तो ख़राब हो गया लेकिन शराबी है, शराबी के मुंह लगना अच्छा नहीं है ना। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, तो बोलता है मुझे 5 रुपये की चटनी नारियल वाली और चाहिए, बहुत अच्छी बनाया आपने। हमने ठीक है ले लो, फिर हमने उसको दिया। मेरी सिस्टर ने क्या कहा, उसको हाथ में नहीं दिया, उसको टेबल पर रख दिया उसका पैकिंग जो था। तो उसे गुस्सा आ गया, मुझे हाथ में दो, बोलता है मुझे हाथ में दो। तो मैंने कहा यार बात ना बढ़े, बात बढ़ जाएगा तो फालतू में तमाशा मचेगा और हमको रोज़ यहाँ आना जाना है। तो फिर हमने ना उसको अपने हाथ से दिया, हमने कहा भैया ठीक है मैं अपने आपको हाथ में दे रही हूँ, तो मैं लिया। फिर वो पैसे देने को मांग ही नहीं रहा था, बोलता पैसे नहीं है। तो फिर हमारे जो दुकान मालिक है, जो मतलब हमारे मालिक हैं दुकान के मालिक, तो उनको बुलाया गया कि भाई वो खड़े रहेंगे थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिलेगा। तो 2-3 मिनट खड़े रहे और उसके बाद चले गए, है ना, चलो ठीक है। और
शायद उनको देखकर वो पैसे निकालने लगा, पैसे उसने दे दिए हमको, पैसे दे दिए, लेकिन उसका मूड बिल्कुल पैसे देने का नहीं था। भाई मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हो ना यार, यहाँ वाले मेरे आसपास वाले भाई, बिना पैसे के तो भाई मेरे दुकान में बताना, अगर पैसे नहीं है तो भाई आप खाने भी बताना, हम तो पहले बता रहे हैं, क्योंकि हमने जो बिज़नेस शुरू किया है खैराती में शुरू नहीं किया भाई, मुझे भी ज़रूरत है पैसों की, इसलिए मैंने शुरू किया और मेरे पैसे लगते हैं, मैं अकेली बंदी अपने दम से मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला नहीं है, ठीक है, कि मेरे घर में मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट कर रहा हो, कुछ कर रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मैं अपने दम से, मैं यूट्यूब की मनी से थोड़ा बहुत मेरे पास था, मेरे पास स्कूल का अमाउंट था, मैंने कुछ कर्जे लिए, मैंने अपने यूट्यूब फ्रेंड से कर्जे लिए जब जाके मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई खैराती मत सूख करना, हाँ अगर जिसको सही में ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, जो इसके पास खाने को नहीं है, उसको हम भले हम देंगे, लेकिन भाई प्लीज़ ऐसे लोग मत आओ मेरे शॉप पर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। चलो ठीक है, और भाई सर भाई आओ तो ढंग से आओ, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो हम सोच रहे थे अपनी दुकान शिफ्ट करने को, और क्योंकि वॉशरूम की बहुत दिक्कत है भाई, 8-9 घंटा हमको वहाँ काम करना है, तो भाई हम कहाँ जाएंगे बताओ ना, हम लेडीज़ कहाँ जाएंगे, जेंट्स तो नहीं है कि हम कहीं भी चले जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें उनसे बात करना है, हमारा किराया का डेट आ गया है, 17 तारीख को महीना कम्प्लीट होगा, तो मैं उन दे दूँगी, उनको बोलूँगी भाई मेरे लिए हम लोग को वॉशरूम की व्यवस्था करो, नहीं तो हम कैसे करेंगे अरेंजमेंट। हमने जहाँ देख कर आया ना, वहाँ पर छोटा एक दुकान है, उससे बड़ा दुकान है, और मतलब ठीक है, मतलब प्लेस पे भी है, मतलब वहाँ पर घर भी बहुत सारे बने हैं, वहाँ पर मैंने लिए देखा है। क्या हो गया, मैं ऊपर ही हूँ ना, मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ अपनी, मैं ऊपर ही हूँ, पानी के लिए ऊपर आई हूँ, सॉरी दोस्तों, मेरी सांस नीचे से बोल रही है। हाँ तो ठीक है, मैं ये क्या बोल रही, मैं भूल गई मैं क्या बोलने जा रही थी यार, क्या बोल रही थी, हाँ हाँ तो वो दुकान मैं सोच रही हूँ, और क्योंकि जैसे एरिया में हम लोग हैं ना, वो 8 बजे ही सन्नाटा हो जाते हैं, 8 बजे सन्नाटा हो जाएगा फिर हमारा क्या बिक्री होगी, क्योंकि हम तो लेट में ही जाते हैं, 5-4:30 बजे है ना, तो यही सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं, अगर मकान मालिक अगर वॉशरूम के लिए तैयार हो जाता है तो फिर मैं नहीं, हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर नहीं तैयार होते तो फिर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और, जहाँ पर हमको व्यवस्था हो, जहाँ हमने देखा है वो घर जैसा ही हुआ है, और वॉशरूम भी है और दुकान भी बड़ी है। हाँ 2500 उसका किराया, और मतलब कि बिजली का बिल अलग है, तो बिजली का बिल तो भाई लगेगा ही हमारा, हो सकता है हम आगे फ्रिज रखें, आगे में फ्रिज रखें उसको हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई बिजली के बिल को लेकर कोई मकान मालिक से हमारी टेंशन वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम भाई साफ सुथरे व्यक्ति हैं और साफ सुथरा ही काम जानते हैं भाई, हम उनका महीना कंप्लीट होगा महीने में पैसे देंगे, हम कहाँ से पैसे दे रहे हैं उससे किसी को मतलब नहीं है ना, बस इतनी सही बातें। और हाँ एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आप वीडियो बोरिंग बनाने लगे होती है, क्या करूँ बोरिंग बना रही हूँ, समय ही नहीं मिलता है ना, तो समझ जाएंगे जिस जो बोले हैं। चलो मैं ब्रश कर लेती हूँ, मेरा ब्रश अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।